हम लोगों को जिंदगी में क्या उजाला होगा, हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। विधायक जी कब आवे ना कि ना कब विधायक जी आवे ना, इधर कोई ना आवेला तो जब ना वोट आ जाए ना तो कहाँ कहाँ द्वार पर करे लगे हैं, ऐसे मर गए हैं सब अपने अपने घर द्वारे, कोई ना लौकी कोई ना दिखाई। महादेव भैया लो आज हम फिर आ गए आपके पास। कहाँ भैया, बनारस के शहर के चकाचौंध से दूर गांवों की सुकूनियत में। बता दे कि अभी हम कहाँ हैं, बनारस से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बने गांव भट्टी में। अब हम भट्टी क्या करने के लिए आए हैं, चलो यहू हम तुमको समझा देते हैं। हम यहाँ भट्टी आए हैं कुम्हारों के बारे में जानने के लिए, उनके दिल का हाल जानने के लिए कि भैया उनके दिल में क्या चल रहा है। जो सरकार कुम्हार कुम्हार खेल रही थी, कह रही थी कि हम कुम्हारों के दिल का दर्द समझे हैं, तो भला वाकई कुम्हारों के दिल का दर्द समझा गया है, उनकी दिक्कतों को दूर किया गया है, या आज भी कुम्हार मिट्टी को गढ़ने के साथ अपने किस्मत को गढ़ने के जड़ जुगाड़ में लगा हुआ है। तो काहे के लिए देरी करे, आओ चले इनका बीच और इनसे बतिया है का चाहती हैं। यही क्यों चाची? हाँ भैया। का नाम है तुम्हारा? मीरा। मीरा है चाची, का काम करती हो? हम लोग बुनकर विभाग से हैं। अच्छा, बुनकरी। चाची बुनकरी काम करती है, गांव के रहने वाली हो? हाँ। चाची सरकार कह रही थी बड़ा तुम लोगों का दुख दर्द समझी, दुख दर्द समझी कि नहीं चाची? बहुत समझा है। सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा। तो आपकी चाची के का वोट देने वाली है? प्रधानमंत्री मोदी जी के है। योगी जी अच्छे नहीं लग रहे का? योगी जी के दे रहा है। तो बात बतिया रही हो मोदी ये के तो दोनों एक ही है प्रभु ना, वो केंद्र में है राज्य में चाची। अच्छा ठीक हुआ है, तो योगी जी पसंद आ रहे हैं चाची को। यही क्यों भैया? हाँ यही क्या। का नाम है तुम्हारा? जितेंद्र चौहान है। चौहान जी का काम करते हैं? वो लोग ड्राइविंग करते हैं। अच्छा ड्राइविंग काम करते हैं। चौहान जी बताइए का लगता है सरकार कितना तुम आपका दुख दर्द समझी? ओ सभी समझ ही रहा है, इतने से लॉकडाउन के बाद वही समझ रहे हैं। अच्छा ही चल रहा है। तो का सरकार क्या चाहते हैं, बढ़िया चौचक काम कर रही? परिवर्तन भैया? नहीं परिवर्तन तो हो ही रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा भैया? अच्छा ही हो रहा है। तो अब की के का वोट देने का इरादा है? हम लोग कह रहा हूँ योगी। योगी का कौन सा काम भैया को सबसे अच्छा लग गया? हम लोग रोड का काम अच्छा लगा, हम लोग ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो भैया को सड़क अच्छी लगी, इसलिए भैया जो है योगी बाबा को वोट दे देंगे। और महंगाई अच्छी लग रही है भैया? महंगाई तो है, जब चलेगा इसी कमाएंगे खाएंगे क्या करेंगे। तो महंगाई से कोनो दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत। ए चाची यही के रहने वाली हो? हाँ भैया। का काम करे तो चाची? हम तो झाड़ू पोछा करेला। अच्छा, का लग रहा है सरकार जो कह रही थी महिला सशक्तिकरण की बात, कितना सफल हुआ? बहुत बहुत सफल। अब की क्या लग रहा है, क्या कुछ मिला आप लोगों को योजना में? उज्ज्वला गैस वैस मिला? गैस हम लोग के नहीं मिला है। आवास वगैरह भाई? कुछ आवास वास नहीं मिला है, नहीं मिला है। हम लोग तो सड़क पर जा रहा है, घर द्वार हम लोग के अब रहने के घर नहीं है, द्वार नहीं है। सरकार तो कह रही थी कि तुम्हारे बारे में बहुत सोच समझ रही है, क्या लगता है? सड़क पर घर जाते हम लोग, हम लोग रहेंगे कहाँ? तो सरकार तुम्हारे दुख दर्द नहीं समझ रही? नहीं समझ रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है अब की पास सरकार को करोगी कि फेल? नहीं पास करेंगे है? पास करेंगे, सरकार को पास करने वाले हैं। आपकी के का वोट देने का इरादा है? योगी जी के है। यहाँ लोगों से हम बतिया रहे थे, हम आए थे कुम्हार बस्ती में, हम कुम्हारों के भी बीच चलेंगे और उनसे भी बतियाएंगे कि भैया अब की वो का चाहत है, के का वोट देने का इरादा है। गाँव का नजारा देख लें, पक्की सड़कन का दावा करल जात रहे, तनका सड़क के तस्वीर देख लें, गांव कितना विकसित भैल है, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक आपकी पक्की सड़क नहीं बल्कि भैया यह मिट्टी वाली सड़क बनी। का भैया का हालचाल? ठीक ठीक बा। सरकार एकदम विकास का नैया बहावत रहे, गंगा बहावत रहे, भैया सड़क कहाँ ऐसन बा? देखिए आप लोग जो नैया बह रहा है यहाँ दिख रहा है, कहाँ है सड़क उड़क नहीं, कोई ध्यान ना दे प्रधान जी विधायक है, उसके बाद यहाँ पे नहीं है। का लगता है आपका परिवर्तन हुई है कि सब एकदम भौकाल? देखिए अब जो होगा तो आगे होगा। भैया का चाहते हैं नु बताएं? हम तो चाहते हैं सब विकास हो। भैया पसंद के का करते हैं, बाबा जी को, अखिलेश भैया को, दीदी को, बुआ जी को? हम तो कांग्रेसी हैं। अच्छा भैया कांग्रेसी है, बाबा यहाँ के रहने वाले है। क्या नाम पढ़िए बाबा? पंजाबी प्रजापति। प्रजापति जी सरकार बहुत दावा किए रहे भैया, तुमको बहुत सुविधा दे दी, क्या काम मिला? कुछ नहीं मिला है, न आवास मिल रहा है, न तो साले है बनवाना हमारा आवास दिलाइए,
ऐसे हमको दिवाइए, गरीब आदमी है, पाँच सौ लड़की है, बताइए। सरकार को कोनो लाभ नहीं मिला चाचा? लाभ नहीं हमको मिला। तो सरकार जो कह रही थी अयोध्या में दिवाली मनी, बनारस में दिवाली मनी, 9 लाख 13 लाख दिए जले, बनारस के सब कुम्हारों के घर से गए, तो कुम्हार आप लोग पास कोई ऑर्डर नहीं आया? नहीं, ऑर्डर नहीं, यहाँ नहीं ऑर्डर, उधर रहता है, इधर नहीं आता, इधर नहीं आता। काहे भैया? अब काहे नहीं भैया, अब क्या बात है, क्या नहीं है चाचा? का लागत है अब की केका तरफ जाने का इरादा है? अभी तो मोदी की इरादा है। अंदर की तस्वीर देख रहे होंगे आपका, देखा तो तस्वीरन में बढ़िया बढ़िया मटका पुरवा दिया वगैरह बना था, लेकिन ओके पहले हम आपके एक और तस्वीर दिखाए कि यहाँ जो सामान सजल है उस सामान आपके बेहद खूबसूरत और एंटीक नजर आओ थे। भैया आप कुम्हार खाली दिया पुरवा खप्पड़ ना बनावत है, आप कुम्हार अलग अलग डिजाइन के अलग अलग सामान के भी बनावत है, और यही बात है कि आप कुम्हार पुराने वाला कुम्हार नहीं भैया, अब कुम्हार नए टेक्निक वाला नया कुम्हार हो गए हैं। तो मैं ही बताया है इनसे जाने के लिए कि जो इनकी कलाकारी में नई आकृति दिखत है, इस सरकार इनकी जिंदगी में वो नया वाला रंग भरे है या अभी भी इधर दर भटके के मजबूर हैं? देखो तो यान बढ़िया तरीके से चाचा एकदम बेहतरीन अलग अलग डिजाइन का मटका बनावत है। इनका नाम पड़ी चाचा? शिव धनी राम प्रजापति। चाचा नाम तो एकदम शानदार है, शिव धनी राम है, शिव भी राम भी। चाचा सरकार बड़ा बड़ा बात कहत रहे कुम्हारन के घर में अब उजाला हो गए है, कितना उजाला है? हम लोगों को जिंदगी में क्या उजाला होगा, हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। चाचा काहे इतना निराशावादी बात करत हो भैया? हैं अयोध्या में इतना दिया लाख जले, बनारस में लाखों दिया जले, चाचा तुम्हारे यहाँ से दिया नहीं गया रहा? हम दिए के कारोबार उतना नहीं करते हैं, हम जो है कि बड़े आइटम के काम करते हैं। तो बड़े आइटम में भी चाचा अब तो बढ़िया बढ़िया सरकार कह रही है, हम बाजार दे दिए हैं चाचा। हाँ काका सरकार की तरफ से काका सुविधा मिल गया, इलेक्ट्रिक चाक की बात किए थे। हाँ तो इलेक्ट्रिक चाक मिला है और क्या साधन मिलेगा, बिजली हम लोगों का लगी रहा है, मिट्टी हम लोगों का लगी रहा है, ऊपर ईंधन सब ही अपना लगी रहा है। हाँ तो चाचा का लग रहा है पहले से कुछ तस्वीर बदली कि अभी भी बदहाली में ही जीवन बीत रहा है? वैसे ही भी बदहाली में बीत रहा है कि क्या उसमें मतलब जो प्रधानमंत्री जी आए थे कह रहे थे कुम्हारों का जीवन बदल गया, कुम्हार अभी भी वैसा ही है चाचा? हाँ सभी वैसे ही है। हम यहाँ महिलाओं के बीच में आए है, हम इनसे भी बतिया ले थी भैया इनके जीवन में कितना बदलाव आए, का लागत है कितनी तस्वीर बदली और कुम्हार की जिंदगी कैसन कटत है। का नाम है आपका? सरोज देवी। हैं यही की रहने वाली हो भाभी? हाँ यही पर रहने वाली हूँ। हैं का करत हो? गिलास माजत है। हैं गिलास माजत है। का लागत है जिंदगी मजे में बा की जिंदगी अब वो है पुराना? मजे में बा, पुराना के तरह जिंदगी बा की जिंदगी का बा? काहे सरकार तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह दिल, महिलाओं के उज्ज्वला दे दिली, आवास दे दिली, शौचालय दे दिली, हम लोग के मिलले ना आवास और खाना खाना कुछो नहीं मिलल, तो हम लोग का जानब? जौन हमने के मिलल बा वही अपन करत खात पड़ल है जा। तो मतलब सरकार को योजना का लाभ ना मिले है? ना मिलल हम लोग के कोनो लाभ। अच्छा विधायक जी कब आवे ना कि ना कब विधायक जी आवे ना? इधर कोई ना आवेला, निरहुआ गौले है ना कि आए कपारे पर चुनाव का नेता जी काम काम कर लगल, तो जब ना वोट आ जाए ना तो काम काम दुआरे पर कर लगी है, ऐसे मर जी है सब अपने अपने घर दुआरे, कोई ना लौकी कोई ना दिखाई, चाहे मरा चाहे जिया चाहे भीख मांगा चाहे टुकड़ा मांगा चाहे ऊपर पड़ जा। नेताजी तो कहत रहन मोदी बाबा कहन योगी बाबा कहन कि बनारस दिवाली जन मनल अयोध्या में जन दिवाली मनल कुम्हारन के घरे से दिया गल, अब कुम्हार चौचक है ऐसा है बहन जी, कुम्हारन के घरे से दिया गल सही है, अब कितना संसार में कुम्हार है कि हम ही भाई ई तो बान है कि हम ही कुहा रही, हमने के घर से गयल नहीं, अब कहाँ कहाँ से दिया गल के ले गल का पता बा, उसे कोनो लाभ ना, कोई लाभ नहीं है, अरे जोन कमैले जा तोन खैली जा ना, हमने नेता का कभो एक खे ईटा जानल गल एक खे हाँ राशन मिलत बा, जे जीतल जे जी अपने बदे की ना, ये तो जानो से जीत जाए तो घरे जाके बैठ जाए, ओकरे बाद संसार में कहाँ मार काट हो था, कहाँ बलात्कार हो था, केकर जीव मार गल, केकर जंतु मार गल, केकर बहन बेटी लूट गई, कोई लेना देना नहीं है, बस सरकार अपने बदे बन गई। क्या कह रही आप?
कह रहे सुविधाएं तो मिल रही हैं हमें, लेकिन सुविधाएं हमारे से आने से पहले ही ऊपर ख़त्म हो जा रही हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो सुविधाओं को वहीं से ख़त्म कर दे रहे हैं, वो हमारे तक पहुंचने ही रुक जाओ, हमारे तक वो सुविधाएं पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब बेटियां सेफ हैं। गृह मंत्री साहब अमित साहब बोले कि रात के 12 बजे भी अब गहना लाद के जाएंगी तो कोई छेड़ेगा नहीं। हकीकत क्या है? ये कभी हो ही नहीं सकता कि गहना लाद के जाए छेड़े ना। यहाँ तो लोग दिन में ही उठा ले जा रहे हैं, तो रात की तो बहुत दूर की बात है। 8 बजे कल यहाँ चोरी हो गया। क्या कह रही भाभी? 8 बजे रतिया का काली उनका बाइक रहला चोरी हो गया। तो क्या अब की किसको वोट देने का इरादा है? अब देखिए, अब ये तो हम लोग नहीं कह सकते किसको देने का इरादा है। वैसे मोदी जी को हम एक लिए थैंक यू बोलेंगे कि वो स्त्रियों को बहुत बड़ा सम्मान दिए हैं, उन्हें एक सुरक्षा दिए हैं, उन्हें उन्हें एक स्वतंत्र रूप से जीने का भी अधिकार दिए हैं। अगर कहीं फायदा है तो कहीं हानि भी है। तो मतलब इस बार वोट परिवर्तन चाहती है, जो है सब बढ़िया है? परिवर्तन चाहते हैं भी और गवर्नमेंट भी ठीक है। मतलब सरकार को नीतियों में परिवर्तन, गवर्नमेंट वही रहे लेकिन जो तो थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा सा अच्छा चेंजिंग, अच्छा परिवर्तन चाहिए। भौजी के का वोट देने का इरादा है? अब हम ऐसे कैसे बता दे दीदी? अरे तब वो के पसंद भाई योगी बाबा ठीक है, मोदी जी हमको पसंद है, मोदी जी भौजी पसंद लावत है। मोदी जी कौन सा काम भौजी दिल छो गया हो? कहना चुरा कोरोना में इतना सब था कैलन और फिर राशन फ्री के देन गैस देलन और फिर यही आके के घर द्वार नहीं देलन रहा बिना। चाची के पसंद अखिलेश पसंद है कि हाथ का पंजा कि योगी बाबा? नहीं तो हाथ का पंजा है। चाची के हाथ का पंजा अच्छा लगता है। हम आए थे कुम्हार बस्ती में कुम्हारों के बीच में ही बात करने कि भैया 2022 के चुनाव में वो का चाहत है, केका तरफ जाने का उनका इरादा है और सरकार जो दम भरती थी कि भैया हम कुम्हारों के दुख दर्द को समझते हैं तो कितना उसके दुख दर्द को समझी और कितना कुछ जानी, यही जानने के लिए आज हम आए थे बनारस से दूर भट्टी गांव में, जहां हम बतिया लिए, जहां चाची की भी बात सुन लिए और आप भैया लोगों की भी कि भैया आपकी चुनाव में का चाहत है और का करे वाला है। तब तक के लिए भैया हर हर महादेव।